अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन 500 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है उनमें हमारा सिलीगुड़ी स्टेशन भी शामिल है। इन 10 वर्षों में हम बंगाल और पूर्वोत्तर के रेल विकास को पैसेंजर से एक्सप्रेस स्पीड तक ले जाए हैं। हमारे तीसरे कार्यकाल में ये सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगा। साथियों, आज उत्तर बंगाल में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 2 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है। ये 4 लेन वाले गोस्पुकुर धूपगढ़ी सेक्शन और इस्लामपुर बाईपास के शुरू होने से कई जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और मैनागुड़ी टाउन जैसे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इसे नॉर्थ ईस्ट समेत उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार जिलों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे डुवार, दार्जिलिंग, गंगटोक एवं मिर्गी जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। यानी इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा और चाय किसानों को भी फायदा होगा। साथियों, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।